ज्योतिष सलाह में आज हम बात कर रहे हैं कि जब भी आप अपने कुंडली देखते हैं या आप कुंडली के लगने के अनुसार जो कारक ग्रह मजबूत होते हैं तो वो जो फल देंगे वो आपको कैसे देंगे, वो उसकी सरल जानकारी देने के बात कर रहे हैं। मान लो कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जो कारक ग्रह है और मजबूत स्थिति में है तो आपको मन में स्थिरता देगा, आपको सुकून की नींद देगा, सोचने समझने की शक्ति देगा। अगर आपकी कुंडली मंगल मजबूत है तो आपको ये खून में गर्मी देगा, गुस्सा देगा, चेहरे पर लाली देगा, आकर्षक शरीर देगा और पुरुषोत्तम देगा। आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत है, कारक है, तो आपको संपन्न कुटुंब वाला देगा, संतान देगा, विवाह कराएगा, ज्ञान और सुकून की देगा, विपरीत परिस्थितियों में उबरने की ताकत देगा। इसी तरह से बुध ग्रह अगर आपके कुंडली में कारक है और मजबूत है तो चंचलता देगा, तेज दिमाग देगा, व्यापारी बुद्धि देगा, वापटुता देगा और हमेशा जवान दिखेगा क्योंकि ये राजकुमार ग्रह है। इसी प्रकार से शुक्र ग्रह अगर आपकी कुंडली में कारक और मजबूत है तो धन वैभव देगा, ऐशो आराम देगा, सुंदरता देगा, आकर्षण देगा। इसी तरह से शनि ग्रह आपकी कुंडली में कारक और मजबूत है तो ये जो शनि ग्रह है ये आपको जिम्मेदारियां देगा, काम में देरी जरूर देगा परंतु वो अच्छे से फल देगा, बाद में भय संघर्ष कराएगा पर इनाम भी देगा। इस तरह से शनि मजबूत की स्थिति बताइए। अगर आपका सूर्य मजबूत है और कारक है आपकी कुंडली में तो सूर्य ग्रह जो है वो आपको सरकारी जो कार्य क्षेत्र है उसमें लाभ पहुंचाएगा और सरकार से लाभ प्राप्त कराएगा और साथ साथ में मान प्रतिष्ठा भी देगा। इस तरह हमने देखा कि किस तरह ग्रहों को आपको कुंडली में अगर वो लग कुंडली में मजबूत स्थिति में है, कारक हैं, तो इस तरह से फल आपको प्राप्त होंगे। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल स्टार सिंप्लीफाइड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।